Hello everyone, welcome back to my channel Destiny. This is me Shanvi Upadhyay and aapka swagat hai mere channel pe. So today I am here to test out some viral hacks jo ki 5 minutes craft se maine liye hain. It was very very interesting. Mujhe bahut hi zyada interesting lag rahe the to mujhe try out karna tha ki wo actual mein jaisa wo show karte hai waise hi turn out hota hai ya nahi. So without wasting any more time, let's get into the video. Okay guys, so the first hack is, उसमें उन्होंने दिखाया है, मैं आपको शो कर दूंगी स्क्रीन पे, बट ऐसे भी बता देती हूँ कि उन्होंने आई शेडो पैलेट लिया और एक टिश्यू लिया, टिश्यू को ऐसे रब किया आई शेडो पे और उसी से अप्लाई कर लिया. तो चलिए हम भी वही करते हैं. तो here I have my eyeshadow palette and here is the tissue. चलिए हम भी ट्राई आउट करते हैं. मैं इसको करती हूँ ऐसे करके फोल्ड, ऐसे उन्होंने किया था, सिर्फ अपने राइट आई पे करती हूँ. तो उन्होंने पिंक लिया था पहले, तो मैं भी पिंक ले लेती हूँ. एंड नाउ लेट्स ट्राई. फिर वो अपने ऐसे लगाते हैं. ओके फिर उसके बाद पर्पल. हाँ ये पर्पल भी आया. अब ना इसी तरह मैंने डार्क ब्लू भी ले लिया है. मैं एम पे लगा लिया मैंने इसे. ये थोड़ा सा तो मेसी हो गया है. चलिए हम इसे थोड़ा सा सही करते हैं. दिस इज द फाइनल लुक आई थिंक. जैसा उन्होंने शो किया है हुआ है वैसा, बट 90% हुआ है. थोड़ा सा मेसी हो गया है क्योंकि वो एकदम वो इतना सुंदर तो नहीं लग रहा था जैसे उन्होंने दिखाया. चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे. नाउ द नेक्स्ट हैक इज, उसमें वो क्या करते हैं कि कोई लिप बाम लेते हैं और फिर उसे आईज पे अप्लाई करते हैं और फिर ग्लिटर लेके उसे अप्लाई करते हैं और वो उससे आई शैडो लगा लेते हैं अपना. तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं यही. गाइस सो हियर आई एम टेकिंग वैसलीन बिकॉज मैं वैसलीन ही अप्लाई करूंगी अपने आईज पे. तो चलिए वैसलीन मैं अप्लाई कर लेती हूँ. ओके तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है एंड नाउ आई हैव ग्लिटर. हियर आर ग्लिटर और अब मैं उसे अप्लाई कर लेती हूँ एक ब्रश से. देखते हैं. ओके तो ये हैक भी जैसा उन्होंने दिखाया था वैसा वर्क करता है. एंड मुझे एक्चुअली में तो ऐसे दूर से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, मगर व्हेन यू कम नियर ना देन यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. तो आप देखो ये बीच बीच में, अब मुझे नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है. ये ग्लिटर के पार्टिकल बड़े हैं इस वजह से हो रहा है या पता नहीं क्या. वो उनका थोड़ा वो ग्लिटर में थोड़ा ना स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स भी थे, तो आई गेस इस वजह से उनके अच्छे से आईज कवर हुई है. बट क्योंकि हमारे ग्लिटर में बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो गैप है. आप देखो यहाँ कहीं कहीं गैप है, कहीं कहीं नहीं है. तो ये इस वजह से हो सकता है. एक्चुअली में ना पता है आपको ये बड़े पार्टिकल हैं ग्लिटर के, तो ये बहुत शुभ रहे हैं जब मैं ऐसे अपने आईज कर रही हूँ तो. क्योंकि वैसलीन है, वैसलीन मेल्ट होती है. वो ऐसा तो है नहीं कि मैट कर देगी तो वो स्टिक होने के बाद ड्राई हो जाएगा तो वो हिलेंगे विलेंगे नहीं आई शेडो, ऐसा नहीं है. वैसलीन लगा हुआ मतलब लिप बाम कोई सा भी आप ले लो वो ड्राई तो होते नहीं है, वो मॉइस्चराइज करने के लिए होते हैं आपके लिप्स वगैरह. तो आप अगर उसे लगाओगे और उस पर फिर ग्लिटर लगाओगे तो वो फैल जाएंगे. ठीक है पर्सनली मेरे को अगर इसे यूज़ करना हो तो मैं कभी नहीं अप्लाई करूँगी. तो या दैट वाज इट. अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हैक पे. तो इस हैक में क्या था, उन्होंने आईलाइनर लगाया, आईलाइनर उनसे फैल जाता है तो वो टेप से यूज़ करके उसे निकाल देते हैं. तो चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ. ये पता नहीं ये सही में प्रैक्टिकल है या नहीं. मैं भी एक लाइन लगा लेती हूँ ऐसे. ये देखिए ये किया. अब इसे हम थोड़ा ड्राई होने देते हैं. उसके बाद हम लेते हैं टेप. ये है टेप. अब मैं टेप से इसे निकालने की कोशिश करती हूँ. देखते हैं हम ये कितना काम करता है. वैसे मुझे आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा, बट हो सकता है निकल जाए. तो ये ड्राई हो चुका है और मैंने यहाँ पे लगा लिया है टेप और थोड़ा सा उसे प्रेस कर लेती हूँ मैं. एंड अब वो निकाल लेते हैं उसे. व्हाट ओ गॉड ये काम किया है.
मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा वर्क करेगा जैसे उन्होंने शो किया था, बट इट एक्चुअली वर्क्ड। माय गॉड, उसने, आप देखो, यहाँ से निकाल दिया। मैंने यहाँ पे लाइन बनाई थी मार्कर की, बट वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। मतलब लग नहीं रहा कि मैंने कुछ अप्लाई किया कि था वो तो। प्रॉपर वर्क किया ये हैक, तो आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड विद दिस हैक। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हैक पे। आई एम सॉरी गाइस, मैं इस हैक को, मतलब जो ग्लिटर वाला हैक था, इसे एंड तक नहीं लगा के रख पाई। मुझे एंड तक दिखाना था, लगा के रखना था और दिखाना था कि ये कैसा रहता है, टिका रहता है या नहीं। बट मुझे वो हटाना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो लग रहा था, और वो आप देख रहे हो मेरे फेस पे पूरा लग गया है, ग्लिटर ग्लिटर हो गया पूरा। बहुत ही गंदा हैक था। चलिए खैर, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट हैक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हैक जो है वो है हमारा क्यू टिप से। उन्होंने बीच में क्यू टिप लगाया ऐसे, और फिर वो लिपस्टिक लगाते हैं, लिक्विड लिपस्टिक। तो वो, आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दिस हैक इज कि लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते वक्त आपका प्रॉपर शेप निकाल के आए, ये एंड्स जो रह जाते हैं उस, बुरा लगता होगा पता नहीं क्या, तो वो एकदम शार्प कॉर्नर्स बना देगा इसको ऐसे लगाने के बाद। मेरे ख्याल से तो वो एंड्स में भी लग जाएंगे, तो शायद यही पॉइंट था कि वो अच्छे से अप्लाई होगा क्यू टिप को फंसाने के बाद। लिक्विड लिपस्टिक आपकी जो है वो अच्छे से अप्लाई होंगी, तो हम भी ट्राई करते हैं। आई थिंक कि यही होल पॉइंट था इसका। आपके पास अगर, मतलब आपके पास भी कोई हो आइडिया कि हाँ ये और किस चीज़ के और किस वजह से था, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक? क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक यही पॉइंट दिखा है, ये क्यू टिप को लगा के मुंह में लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने का। तो ये मैंने लगा लिया, ये है मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक, अब मैं अप्लाई करती हूँ। बहुत ही वियर्ड लग रहा है, मैंने कभी भी इतनी बोल्ड लिक्विड लिपस्टिक नहीं लगाई है। मतलब लिक्विड लिपस्टिक ही नहीं लगाई है, और ऊपर से इतना बोल्ड कलर मैंने कभी नहीं लगाया है। बट लेट्स ट्राई दिस आउट। बहुत ही ज्यादा बकवास था। ये जो प्रॉपर शेप की बात थी वो तो छोड़ो, ये क्या है, ये क्या है। आई थॉट यार कि कॉर्नर्स पे भी अच्छे से अप्लाई हो पाएगा, मगर इसने तो कुछ और ही काम कर दिया है। एंड ई दिस कलर इज नॉट लुकिंग गुड ऑन मी, क्योंकि मैं, यार कितना अजीब लग रहा है ये। ये बहुत ही अजीब लग रहा है, ये बहुत गंदा लग रहा है। ये यहाँ नीचे लग ही नहीं पाए, क्योंकि मैंने सोचा इनर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई होगा, मगर ये तो उल्टा ही हो गया, इनर कॉर्नर पे ही नहीं अप्लाई हुआ। पता नहीं क्या था, ये हैक बहुत ही बेकार मेरे लिए फेल हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं था बिल्कुल भी। आप ऐसे ही लगाना, इस क्यू टिप को लगा के तो बिल्कुल मत लगाना। ची, मेरे पे कितना गंदा लग रहा है। बहुत ही बेकार, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इनर कॉर्नर पे वो रह गया तो वो पता चल रहा था कि कुछ नहीं लगाया। हाँ आपने यहाँ पे कुछ लगाया है, पर यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, तो वो बहुत गंदा लग रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसे रिमूव करती हूँ और फिर हम नेक्स्ट हैक पे बढ़ते हैं। ओके गाइस, मैंने लिपस्टिक रिमूव कर ली है, एंड वो अभी भी अच्छे से तो रिमूव नहीं हुई है, बट ठीक है, मैंने अपने मुंह की तो 12 बजवा लिया है, बट ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट हैक इस वीडियो का, जो मैं ट्राई करने वाली हूँ लास्ट हैक। तो इसमें रहता है कि अगर आपका ब्लश ख़त्म हो गया है, आपका, आपके पास ब्रश नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अपने हाथ पे एक लिपस्टिक, मतलब लिप लाइनर, लिपस्टिक आप कुछ भी ले लें, तो मैं भी वही ले रही हूँ, और फिर उनमें उसमें ऐड करना है आपको फाउंडेशन। फिर फाउंडेशन ऐड करके फिर उसे कर लेना है अप्लाई। तो मैं भी फाउंडेशन ऐड करती हूँ और फिर मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ओके गाइस, सो हियर आई हैव माय फाउंडेशन, एंड अब मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। मैंने इतना सा लिया था, चलिए हम भी ट्राई करते हैं, मिक्स करते हैं इसे।
और ऐसा सा कलर बना था उनका भी यार। ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज टिंट आ तो रहा है मगर बहुत ही कम आ रहा है, ये तो बकवास लग रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ी और लिपस्टिक ऐड कर देती हूँ, तभी शायद अच्छा लगेगा, वरना तो ये कलर ही नहीं था कोई, उन्होंने तो वैसे ही दिखाया था ऐसा ही बना के। बट ठीक है, मैंने थोड़ी और ऐड कर ली है। आ रहा है कलर, ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो फाउंडेशन को, बट ये ना काफी लेयर क्रिएट कर देगा आपके फेस पे फाउंडेशन की। मेरे ख्याल से इससे अच्छा ना इतनी मशक्कत क्यों करनी, मैं बताऊँ, आप डायरेक्टली लो यार फेस पे, हल्का सा ऐसे ऐसे करो एंड उसे कर दो ब्लेंड। सिंपल, इतना आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। तो बस आप ऐसे भी कर सकते हो, देर वॉज नो पॉइंट ऑफ एडिंग फाउंडेशन इन इट। ओके गाइस, तो मैंने सारे ही हैक्स जो जो मैंने चूज किए थे वो ट्राई आउट कर लिए हैं, और उनमें से मुझे एक हैक जो बेस्ट लगा वो था आईलाइनर वाला, मतलब जो टेप को हम यूज करके उसे रिमूव करते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और मतलब एकदम ऐसा लगा कि हाँ यार, इससे जैसा दिखाया उन्होंने वैसा ही एकदम काम किया है, और बहुत अच्छा काम किया है। तो यस, आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट हैक। और मुझे बाकी सारे हैक कुछ तो सिली लगे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ फेल बहुत। ये आई शेडो, ये ग्लिटर आई शेडो वाला तो सबसे गंदा हैक था, आई नेवर डू इट अगेन। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय दैट एंड फाउंड इट एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव। इफ सो देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना करें। ऐसी ही अमेजिंग और एंटरटेनिंग वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए इस वीडियो को एंड कमेंट करिए। यस, डू कमेंट व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू, टेक केयर।